हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जो वीडियो है इट विल बी अबाउट कामा आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स। कामा आयुर्वेदा सिंस द टाइम इट हैज बीन लॉन्च्ड, ये जो है बहुत ज्यादा मोस्ट टॉक्ड अबाउट आइटम रहा है, बहुत ज्यादा हाइप्ड रहा है। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं कामा आयुर्वेदा के परचेज किए थे, बहुत पहले भी परचेज किए थे, कुछ रिसेंटली भी परचेज किए हैं। तो मैं उन सबके बारे में आपसे बात करूंगी, उसका एक डिटेल्ड रिव्यू दूंगी और ये भी बताऊंगी कि क्या कामा आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स काम करते हैं, आर दे एक्चुअली वर्थ योर इन्वेस्टमेंट और नॉट, मतलब आप अपना इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा इस पर लगाएं या ना लगाएं। सो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट जो है, जो मैंने कामा आयुर्वेदा से परचेज किया था, इट इज देयर कामा का ज्वालिनी रिटेक्चरिंग ट्रीटमेंट। मैं इस तरीके से अटक अटक के इस वजह से पढ़ रही हूँ बिकॉज इसका लेबल जो है वो उतर चुका है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया मुझे इसको खरीदे हुए। और ये जो है इट कॉस्टेड मी 495 रुपीज, लाइक इसके आसपास ही खरीदा था मैंने, एक से डेढ़ साल पहले। मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट जो कामा का मैंने यही खरीदा था। एंड यू कैन सी कि ये जो है मैंने आधे से ज्यादा यूज कर ली। बेसिकली आई यूज दिस प्रोडक्ट जब भी मुझे टैनिंग होती है, मैं तभी यूज करती हूँ इस प्रोडक्ट को। सो मैं इस प्रोडक्ट की एक से दो ड्रॉप लेके अपने पूरे फेस पे लगाकर अच्छे से मसाज करके और सो जाती हूँ। दिस कंपैरेटिव टू अदर ऑयल्स ऑफ कामा आयुर्वेदा, दिस इज स्लाइटली लाइट वेट। तो इसको लगाकर आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो मैं इसको अप्लाई करके सो जाती हूँ। उसके बाद से नेक्स्ट डे मैं जो है अपना फेस वॉश कर लेती हूँ एंड आई डू माय रेगुलर, जो भी मैं मॉइस्चराइजर वगैरह अप्लाई करती हूँ वो मैं अप्लाई कर लेती हूँ। सो दैट इज इट फॉर दिस प्रोडक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज अनदर फेशियल ऑयल एंड इट इज देयर अनदर हाइप प्रोडक्ट विच इज नलपमरादी तैलम स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। सो ऑनेस्टली इफ आई कंपेयर दिस ऑयल विद दिस ऑयल, आई लाइक दिस ऑयल मोस्ट। रीजन, दिस इज स्लाइटली लाइट वेट, इसकी मेरे को ज्यादा पसंद नहीं आई इसकी फ्रेग्रेंस और इसी वजह से आई अवॉइड यूजिंग दिस प्रोडक्ट। सेकेंड पॉइंट इज कि इसमें जो है येलो टेंट्स है, तो जब भी आप अपने फेस पे ऑयल को अप्लाई करते हैं मेक श्योर कि आप एक से दो ड्रॉप इससे ज्यादा यूज ना करें, और लाइक इसकी वजह से आपकी पिलो वगैरह पे स्टेन लग सकते हैं। सो प्लीज कोई अपने पिलो पे कोई कपड़ा रख के उसके बाद से ही सोएं, सो दैट यू डोंट गेट योर पिलो स्टेन। सो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है इट एक्चुअली टेक्स 2 to 3 months टू वर्क, लाइक आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे टू सी अ विजिबल डिफरेंस। दीज ऑयल्स वर्क स्लोली। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने इसको आज अप्लाई किया एंड यू विल सी द डिफरेंस टुमारो ओनली। तो आपको एक बॉटल तो एटलीस्ट यूज करनी पड़े। दैट्स अबाउट दिस प्रोडक्ट एंड इट एक्चुअली डिटेल्स फॉर 895 रुपीज। थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल सकता है बट नॉट अ लॉट बिकॉज कामा आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स पर बहुत कम डिस्काउंट्स आते हैं। सो दिस वॉज माई सेकेंड प्रोडक्ट। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड आइटम विच इज बेसिकली देयर ब्रिंगादी तैलम इंटेंसिव हेयर केयर ट्रीटमेंट ऑयल। ये जो है इसका छोटा बॉटल है विच इज 50 ml, इससे बड़ी बॉटल भी आती है एंड इट कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड, यस दिस कॉस्टेड मी 395 रुपीज, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल गया होगा। सो बेसिकली अ शॉर्ट स्टोरी, अर्लियर आई यूज टू स्टे इन दिल्ली, दिल्ली का पानी जो है इट इज नॉर्मल, बट 2 years back आई शिफ्टेड टू नोएडा और नोएडा का पानी इट्स अ हार्ड वाटर और तब से मुझे जो है हेयरफॉल का इशू स्टार्ट हो गया। तो उसकी एक अलग स्टोरी है, वो मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी। सो रिसेंटली आई शिफ्टेड विद इन नोएडा, रिसेंटली आई शिफ्टेड टू अनदर प्लेस और फिर से मुझे थोड़ा सा हेयरफॉल देखने को मिल रहा है। दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ ट्राइंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। दिस claims to prevent hair loss. So basically it's been 2 months since I've been using this product and I would say कि मेरा जो hair fall है वो 25% कम हो गया है। मेरे को बहुत ज़्यादा magical difference देखने को नहीं मिला but I can see कि जो भी मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा बाल निकलते थे वो थोड़े से कम है। So that's about this product. This is थोड़ा सा हैवी ऑयल, आप इसको अप्लाई करके बाहर नहीं जा सकते हैं। इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग नहीं है। यू विल बी एबल टू पेयर दिस। सो आप इसको लगाएं एंड यू कैन वॉश इट ऑफ, लाइक आई कीप इट ओवर नाइट बट यू कैन वॉश इट ऑफ इन एन आवर और आवर एंड अ हाफ एंड देन यू कैन डू योर रेगुलर स्टफ। सो दैट्स अबाउट दिस प्रोडक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम इज बेसिकली देयर शैम्पू, इट्स अ हेयर क्लेंजर, देयर लैवेंडर पचौली हेयर क्लेंजर विद प्योर एसेंशियल ऑयल।
दिस हैज अ पंप. ऑनेस्टली आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट एट ऑल. मेरे लिए कोई काम नहीं कर रहा है ये प्रोडक्ट एंड आई ट्राई टू फिगर आउट समथिंग एल्स. आई विल नॉट रिकमेंड बाइंग दिस प्रोडक्ट बट इफ यू वॉन्ट टू ट्राई यू कैन. इट रिटेल्स फॉर 845 रुपीज. वेन एवर यू बाय काम आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर वेबसाइट यू गेट फ्रीबीज. सो बेसिकली आई गॉट टू फ्रीबीज वेन आई बॉट दिस शैम्पू. सो द फर्स्ट वन इज बेसिकली their pure rose water. I like the packaging, it is very cute. It is their pure rose water. It actually smells divine, like fresh roses. Basically use it on my face, not on my body. I feel very refreshed after using this product, so I'm thinking to buy the full bottle. This is a nice product. Moving on to the last item, which is again a freebie. It's a hand sanitizer with tea tree oil. Basically, I will not recommend buying this product because it is your regular alcohol based sanitizer, nothing else. तो उसको लाइक आप अपने रेगुलर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो कि कम प्राइस में मिलते हैं उनको यूज करें. सो यार दैट इज इट फॉर माय टुडेज वीडियो. आई होप यू रियली लाइक इट एंड इफ यू डू प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग. हिट दैट लाइक बटन एंड इफ यू हैव एनी फीडबैक एनी क्वेरीज प्लीज ड्रॉप अ नोट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई शिल सी यू इन माई नेक्स्ट. बाय, टेक केयर.